अस्सलाम वालेकुम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स जिसका हमने पहला लेक्चर कल डिस्कस किया इंशाल्लाह आज कुछ और इसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स ये रेस्पिरेशन है ये जनरली जो होती है इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है मगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स भी हैं जो ये रेस्परेशन ऑक्सीजन के बिना भी करते हैं और उस बेसिस पे इसके बिना पे हमने जो जो रेस्परेशन है वो जनरली हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स एरोबिक रेस्परेशन एंड एन औरबिक एन एरोबिक रेस्परेशन टूडे वी शल डिस्कस एरोबिक रेस्परेशन वैन रेस्परेशन टेक्स प्लेस इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट वेरी रेस्परेशन इज नोन एज एरो रेस्पिरीशन मेरे प्यारे बच्चों जब रेस्परेशन दिस ऑक्सीजन के की मौजूदगी में होती है यानी वैन दिस प्रोसेस इज बी कैरिड आउट इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट वेरी रेस्परेशन इज नोन एज एरो रेस्परेशन सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरोब्स जो उन ऑर्गेनिजम्स को हम एरोब्स कहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और उसके बाद हैं स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन या तो हम इसको टाइप्स भी टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं या तो बेटर रहेगा कि हम इसको कहेंगे स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इसको हम जनरली कहते हैं ब्रीदिंग ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं या हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज जनरलीज ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन ब्रीदिंग जब हम एयर यानी सांस लेते हैं अंदर की तरफ उसमें जो है कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की ज्यादा उसको हम इनहेलेशन कहते हैं एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है ज़्यादा तैदाद होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको हम एक्सलेशन भी कहते हैं ये कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके लिए हमें अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें रखी है अपने जिस्म में और उसको हम उन चीज़ों को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गनस कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद्स इन अ मिनट द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन अंट इज़ टर्मर एज ब्रीदिंग रेट एक मिनट में एक इंसान या कोई जानवर कितनी बार ये इनहेल और एक्सेल करता है उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ये एक मुसलसर और लगातार जो यह प्रोसेस कंटिन्यू रहती है विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है कभी रुक रुकती नहीं है ब्रेथ मीन्स वन इन्हेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। जनरली हम ब्रेथ सांस किस को कहते हैं कि जब हम एक सांस अंदर की तरफ लेते हैं और एक सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं उसको हम ब्रेथ कहते हैं यानी इन्हेलेशन प्लस एक्सहेलेशन को हम ब्रेथ कहते हैं आज हमने शॉर्टली इतना डिस्कस किया आज एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में इस एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने अभी और भी पढ़ना है इनशाला वो अगले टॉपिक में इसमें डिस्कस करेंगे इनशाला वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी डिस्कस करेंगे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गनज़ होते हैं वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं मुख्तलफ़ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हमें पता है इंसान में लंग्स होता है और बड़े जो भी और भी हायर एनिमल्स हैं उनमें लंग्स होते हैं और छोटे ऑर्गेनिज़म्स के लिए उनके जिसम में भी कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं वो इनशा हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेपरेटली इन डिटेल इनशा तब तक के लिए अ